स्वर्गीय अजय साहू फुटबॉल टूर्नामेंट पर ओरमांझी चकला का हुआ कब्जा। पेनल्टी शूट में ओरमांझी चकला ने ओरमांझी ग्रामीण को 3-0 से हराया। रनर अप को 21,000 व विनर को 31,000 रुपये का दिया गया नगद इनाम। कोयरी टोला हाई स्कूल के मैदान में चल रहे द्वितीय स्वर्गीय अजय साहू फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। इसमें ओरमांझी चकला की टीम ने ओरमांझी ग्रामीण की टीम को पेनल्टी शूट में 3-0 से हराकर स्वर्गीय अजय साहू फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रामगढ़ विधानसभा समाज सेवी बजरंग महतो ने खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय अजय साहू की स्मृतियों एवं उनके सामाजिक कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु कई कार्य किए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ी गांव से निकलकर राज्य में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अमित साहू ने कहा कि मेरे पिता की स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। साथ ही मेरे पिताजी के 66वें जन्मदिन पर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का भी मौका मिल रहा है। इसके लिए और इस टूर्नामेंट के लिए जय हिंद स्पोर्टिंग क्लब साधुवाद के पात्र हैं। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। इस रामगढ़ में अजय साहू फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें चकला की टीम जीती और हमारी टीम रनर रही। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज पूरे जितने भी आप देख रहे टीम जो आज हम लोग हैं, सभी को खेल को बढ़ावा देने के लिए सब एकजुट हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि खेल के प्रति अच्छा हो, ताकि लोग जिला स्तरीय, स्टेट स्तरीय और झारखंड का नाम रोशन करें। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तो आपको पता ही है कि बहुत जल्द हम लोग सिद्धू कानू ग्राउंड, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि माननीय विधायक के द्वारा भव्य रूप दिया जा रहा है, और उसको मैं हम लोग बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी करने वाला, जिससे लोग और खेल को बढ़ावा दें। मतलब खेल के प्रति जिनका थोड़ा सा झुकाव कम था, उनका बढ़ेगा कि अब खेलने का सुविधा मिल रहा है। और सभी रामगढ़ के जितने भी समाज सेवी लोग आज जितना देख रहे हैं, सभी कोई खेल के प्रति इनका भी अच्छा रुचि है, खेल के प्रति बढ़ावा देते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं खिलाड़ियों को। और अब बहुत ही अच्छा आज इस मैच में देखने को मिला, सभी लोग उपस्थित थे, सभी ग्रामीण देखे, बहुत भीड़ था मैं फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो मैं खेल को और अच्छा रूप देने के लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि रामगढ़ में और अच्छा खेल को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। थैंक यू।